जो पी और एस है उसके बीच में हमेशा फोर लेटर रहे हैं, है ना। टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर हमारी जो पोजीशन है, देखो ये वन, मैं नंबर लिख रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 लेटर्स हैं, तो ये चाहते हैं पी और एस के बीच में हमेशा फोर लेटर्स रहे। अगर मैं पी यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं एस को कहाँ ले सकता हूँ? 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लेटर रहने चाहिए, फिर एस को मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। ये एक पोजीशन होगी, मैंने इसका नाम रखा P1S1, है ना। ये कहते हैं कि हमारे पास ये है, जो पी से और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहे, तो दूसरी पोजीशन क्या होगी? अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ पी, है ना, तो एस हमें कहाँ लेना पड़ेगा? एस हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर पी लेता हूँ तो एस यहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर मैं पी लेता हूँ तो यहाँ पर हमें एस लेना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर पी लेता हूँ तो एस यहाँ पर लेना पड़ेगा। इसी तरीके से पी मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ तो एस कहाँ लेना पड़ेगा? यहाँ पर लेना पड़ेगा। पी मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ तो एस यहाँ पर लेना पड़ेगा। P5, ये भी 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है हमने जो पोजीशन बनाई है, तो 4 लेटर क्योंकि हमें बीच में रखने थे, पी की पोजीशन यहाँ पे लेंगे तो एस की पोजीशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी, है ना। ये 4 हमने गैप देना है 4 लेटर का, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये S1, ये एक पोजीशन हो गई, ऐसी दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, ये क्या होगी? सिक्स पोजीशन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आपकी? 7 हो जाएगी, यानी कि 7 पोजीशन हो गई है आपकी। यहाँ मैंने गलत लिखा हुआ है, ये 6 और 7 हो जाएगा। 5 तो हमारा पहले ही आ चुका है, यहाँ 6 और ये 7, है ना। ये इसलिए मैंने कल नहीं बताया था आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें इससे पोजीशन निकालनी पड़ रही है, कि अगर हम जो है 1 को हम जहां पर डिफरेंट पोजीशन पर ले रहे हैं पी को, तो डिफरेंट पोजीशन पे ध्यान रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि 4 लेटर बीच में आने चाहिए पी और एस के बीच, ठीक है। तो ये जो पोजीशन बन रही है आपकी, टोटल जो पोजीशन बन रही है वो 7 बन रही है, तो 7 पोजीशन हो गई है इस तरीके से, है ना। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, 7 अगर हमने ये पोजीशन बनी है कि हम एस पहले रख लें और पी बाद में रख लें, ऐसा भी कर सकते हैं, तो डबल हो जाएंगे, मतलब 14 पोजीशन हो जाएंगी। अगर ऐसे हमने पोजीशन क्या ली है, 7 ली है, ऐसा भी तो हो सकता है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि पी पहले लेना है, उन्होंने ये बोला है कि पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए, तो ये भी हो सकता है कि एस आप पहले ले लें और पी बाद में ले लें, तो डबल हो जाएगा। तो टोटल केसेस कितने हो गए? 14 हो गए। ये तो वो केसेस हुए जो कि पी और एस की डिफरेंट पोजीशन के बन रहे हैं। अब बाकी बात करते हैं बाकी लेटर्स की। तो बाकी लेटर जो है, बाकी लेटर हम कहीं भी रख सकते हैं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 में से 2 हमने सेलेक्ट कर लिए हैं लेटर पी और एस, 2 लेटर्स की पोजीशन हमने फिक्स कर दी। बाकी जो लेटर्स हैं, बाकी लेटर कौन से बचे? बाकी जो लेटर बचे आपके 12 में से, 10 2 हमने यूज कर लिए, 10 लेटर बचे, उनकी पोजीशन क्या होगी? उनके जो है 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 10 फैक्टोरियल हो गए। लेकिन टी क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा था, ये हमने कल भी किया था, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? तो आंसर आ जाएगा 7 × 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हैं, है ना। हो सकता है आंसर इस फॉर्म में दिया हो, इस फॉर्म में सोच सकते हो। 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 × 9
जो आपके जो 12 लेटर्स है परमुटेशन के, उसमें उन्होंने ये बोला कि टी से आपको और एस के, टी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि टी से स्टार्ट करना है। हमने क्या किया, पहले टी से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट किया कि कितने केसेस बनने हैं, ऐसे 7 केसेस बनने हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 7 शुरू में हो, टी बाद में हो, तो कितना हो जाएगा, फिर डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। फिर बाकी 12 में से हमारे पास जो है 2 लेटर हमने यूज कर लिए, तो बाकी लेटर जो बचे 10 बचे, तो 10 फैक्टोरियल उनको हम अरेंज कर सकते हैं, 10 की 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 की 10 का मतलब 10 फैक्टोरियल ही हो गया, लेकिन टी चौकी रिपीट हो रहा था इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ये आपका आंसर हो गया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते। तो ये है आपका, ये क्वेश्चन जो है हमने इस तरीके से बनाया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट एक्सरसाइज की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन। देखो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या डिफरेंस है, कॉम्बिनेशन है कहीं कहीं हमें क्या होता है, सिर्फ हमें सिलेक्शन होता है। जैसे कि हमें किसी गेम के लिए, कोई गेम के लिए हमें है ना सेलेक्ट करने हैं, 12 में 20 स्टूडेंट में से 12 स्टूडेंट सेलेक्ट करने या 11 सेलेक्ट करने या 10 सेलेक्ट करने, तो उनका अरेंजमेंट कोई फर्क इम्पोर्टेंट नहीं रखता, है ना। अरेंजमेंट का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने है ना ए बी लिखते हैं और बी ए लिखते हैं, तो ये अलग हो गया। जैसे आपके पास 3 लेटर है, मान लीजिए ए बी सी, ए बी सी में 2 लेटर अगर हमें सेलेक्ट करने हैं, तो हम लेटर सेलेक्ट करने हैं तो ए बी भी ले सकते हैं, है ना, और ए सी भी ले सकते हैं और बी सी भी ले सकते हैं। ये तो वो कॉम्बिनेशन, हमने 2 लेटर लेने थे, इनका अरेंजमेंट नहीं करना है। अगर अरेंजमेंट करना है तब क्या हो जाता है, इसको ए सी को हम सी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं। अगर हमने अरेंजमेंट भी किया तो ये परमुटेशन हो गया। फिर हमने सिलेक्शन किया, 3 में से अगर हमें 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 2 सेलेक्ट करने का मतलब है हम ए बी भी ले सकते हैं, ए कॉमा बी, है ना। जो 3 पर्सन है ए बी सी, तो पर्सन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले कौन लिया आपने, बाद में कौन लिया, है ना, वो एक ही बात है, ए कॉमा बी, ठीक है, या बी कॉमा सी ले सकते हो, ये नाम है अगर, है ना, तो ए कॉमा सी ले सकते हो। ए कॉमा का मतलब है 3 ही सिलेक्शन बन रहे हैं। अगर हमें उन्हें अरेंज करते हैं तो केसेस कितने बनते हैं, तो 6 केसेस बनते हैं। ये केसेस अगर हमारा अरेंजमेंट कहीं कहीं अरेंजमेंट इम्पोर्टेंट है तो वो क्या कहलाता है, परमुटेशन कहलाता है, ठीक है। तो 3 में से अगर हमें 3 में से 2 सेलेक्ट करने होते हैं, 3 3 2, तो ये अरेंजमेंट कहलाएगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 factorial divided by 2 factorial, 3 - 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, है ना। 3 t 2 का मतलब है ये परमुटेशन है। कॉम्बिनेशन में क्या है, कॉम्बिनेशन में हमारे पास सिर्फ 3 केसेस बन रहे हैं, यानी कि अरेंजमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। अरेंजमेंट तो 2 नंबर का अरेंजमेंट क्या होगा, 2 factorial हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो इसमें से 3 c 2 करना है, तो 3 c 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 factorial upon 1 factorial, ठीक है। ये तो परमुटेशन हो गया। अरेंजमेंट नहीं करना है तो जो अरेंजमेंट पॉसिबल होते उससे हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 factorial से हमने डिवाइड कर दिया, तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, तो 3 बनेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में क्या फर्क है, इसमें जो है जो अरेंजमेंट पॉसिबल है उनसे और डिवाइड कर देता है। क्या फार्मूला हो गया हमारा, हमारा फार्मूला क्या हुआ, एन सी आर इक्वल टू क्या होगा, एन टी आर डिवाइडेड बाई कितना, आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल का मतलब जो हमने सेलेक्ट करके, जैसे 2 नंबर सेलेक्ट किए थे, 2 सेलेक्ट करने से जो अरेंजमेंट बनने थे, 6 कितने अरेंजमेंट बनने हैं, वो 6 अरेंजमेंट बनने हैं टोटल मिला के, ठीक है।
तो दो से कितने एलिमेंट बन सकते हैं, तो टू फैक्टोरियल, उससे हमने डिवाइड कर दिया है ना, ये तो हम लेते ही भाई, तीन केसेस तो हम लेंगे लेंगे है ना, वो डबल हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई हो जाता था अगर हम परमुटेशन करते थे, तो मल्टीप्लाई टू से नहीं करना है, ये दोनों एक ही बात है, हाफ हो गया, यानी कि टू से हमने डिवाइड कर दिया, ये समझिए। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, एनसीआर का फॉर्मूला हमने ये ड्राइव कर लिया कि एनसीआर डिवाइडेड बाई आर फैक्टर। ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि अरेंजमेंट इम्पोर्टेंट नहीं होता, हमें तीन लेटर ले, अगर मैं तीन लोगों को ये ए बी सी तीन नाम है अगर, तो तीन लोग ले लें तो मैं ए और बी भी ले सकता हूँ, या बी और या सी ले सकता हूँ, या ए और सी ले सकता हूँ, तो हमारे पास तीन ही पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसे वर्ड बनाना चाहता हूँ विद और विदाउट मीनिंग, तो वर्ड जो बनेंगे वो सिक्स बन जाएंगे, ए बी भी एक वर्ड हो जाएगा, बी ए भी वर्ड हो जाएगा, ये क्योंकि अरेंजमेंट हो गया। तो यहाँ पर अरेंजमेंट भी अगर होता है तो वो क्या चलाता है, परम्यूटेशन जो हम पहले करते आ रहे थे, तो परम्यूटेशन क्या होता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, संख्या कम हो जाती है, तो संख्या कम करने के लिए जो अरेंजमेंट पॉसिबल थे उन पॉसिबल अरेंजमेंट से हमने डिवाइड कर दिया। परम्यूटेशन में दोनों काम होते हैं, सिलेक्शन भी होता है और अरेंजमेंट भी होता है, दोनों काम होते हैं इसके अंदर। और कॉम्बिनेशन में सिर्फ क्या होता है, सिलेक्शन होता है, हमें तीन में से दो लोग सिलेक्ट करने हैं या दस में से दो लोग सिलेक्ट करने हैं, जैसे 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से फोर कार्ड हमें सिलेक्ट करने हैं, तो उनका अरेंजमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम चार पास 52 कार्ड में से दो कार्ड ले रहे हैं, 52 C2 हो जाएंगे, तो उनमें से हमारे बहुत सारे कॉम्बिनेशन चलाएगा। यहाँ पर ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कार्ड पहले निकाल आया है ना, या तो आपका नंबर वन पहले आ गया, नंबर टू पहले आ गया, उससे कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन से पहली नंबर है, दूसरी नंबर कौन सी है, बस दो कार्ड आपको चाहिए है ना, दो पर्सन चाहिए, ठीक है, दो प्लेयर चाहिए, ठीक है, तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे, वहां पर कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है, जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आते हैं वो ज्यादा आ जाते हैं, तो उस नंबर ऑफ अरेंजमेंट को हम डिवाइड कर देते हैं आर फैक्टर। तो आप कैसे भी इसको याद रख सकते हो, या तो आप ऐसे याद रख सकते हो एनसीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, या एनसीआर इक्वल टू एनसीआर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, ये दोनों ही एक ही बात है। तो ये मैंने आपको ये मेथड दोनों में डिफरेंस आपको बता दिया है, ठीक है, तो कहाँ क्या यूज करना है, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो आपको यह नहीं पता होगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ परम्यूटेशन यूज करना है, कि कहाँ कॉम्बिनेशन करना है। तो कॉम्बिनेशन वहाँ करना है जहाँ सिर्फ सिलेक्शन हो, परम्यूटेशन वहाँ करना है जहाँ पर दोनों काम होंगे, जैसे कि हमने तीन लेटर में से दो लेटर से वर्ड बनाना है, तो हमने क्या होगा, दोनों परम्यूटेशन होगा, तो कितने केसेस बनेंगे, अगर हमें तीन लेटर में से दो लेटर सेलेक्ट करने हैं तो कितने केसेस बनेंगे, तो एक केस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तो तीन केसेस पॉसिबल। इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बी पहले लिखा हुआ है या ए पहले लिखा हुआ है, ये एक ही बात है, चाहे इसको ए भी लिखो चाहे बी ए लिखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ ए बी और बी ए अलग अलग है, जैसे नंबर में है, नंबर में अगर आपने दो नंबर सेलेक्ट करनी है 10 में, लेकिन आप दोनों को मिलाकर लिखते हैं 23 तो 32, ये दो अलग नंबर होंगे, 23 अलग नंबर हो गए, 32 अलग नंबर हो गए, अगर आप नंबर फॉर्म करते हैं तो ये फर्क है। तो यहाँ पर जो है 2 और 3 लिख दें, 3,2 लिख दें, बोथ आर सेम थिंग, यहाँ पर मगर अलग है, 23 अलग नंबर हो जाएगी और 32 अलग नंबर हो जाएगी, ठीक है। देखो बेटा, इसमें जो है कुछ प्रॉपर्टी है ना, एक तो ये याद रखो एन सी जीरो की वैल्यू 1 ही होती है,
वन कैसे हो गई, एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है और एन सी वन की वैल्यू एन ही होती है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एन सी जीरो का मतलब है, एन सी जीरो का मतलब होगा एन फैक्टोरियल, है ना, जीरो फैक्टोरियल जो नीचे वाला है वो भी आ जाता है और डिफरेंस भी आ जाता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, जीरो फैक्टोरियल तो भी वन ही होता है। ऐसे ही आप एन सी वन निकालेंगे, एन सी वन की वैल्यू आपको एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन माइनस वन फैक्टोरियल लेंगे और वन फैक्टोरियल लेंगे। यहाँ पर एन बाहर निकाला हमने तो एन माइनस वन फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पर कितना है ये भी एन माइनस वन फैक्टोरियल है और वन फैक्टोरियल की वैल्यू तो वन ही होती है, कितना आ गया आपको एन है। तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो एन सी जीरो और एन सी वन की वैल्यू हमेशा एन ही होगी, ठीक है, और एन सी आर की वैल्यू और एन सी एन माइनस आर की वैल्यू ये इक्वल होती है। आप ये देखो कि यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को ओपन करेंगे, जो हमने फॉर्मूला बताया था एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और आ जाता है इसमें और आर फैक्टोरियल, जहाँ वैल्यू निकालेंगे तो ये एन फैक्टोरियल, जब आप एन में से माइनस करोगे एन माइनस आर तो क्या आ जाएगा आर फैक्टोरियल आ जाएगा और एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि इसका मतलब है दोनों कैसे हैं इक्वल ही है, यानी कि 5c2 की वैल्यू बराबर होगी 5c3 की, ये मतलब जब भी कभी ऐसा होगा ये जो दोनों नंबर जो नीचे वाले नंबर है ये दोनों नंबर अगर ऊपर की नंबर सेम है तो इन दोनों का सम अगर इस वाली नंबर के बराबर आ जाता है तो दोनों नंबर क्या होंगी 5c2 हमेशा 5c3 के बराबर होगा, 7c5 बराबर होगा 7c2 के, ये आप याद रखें, ठीक है। वो कैसे होगा ये हमने करके बताया, आप इसमें उसको खोल के देखेंगे तो अब भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आपका क्या है इसमें ये मैंने आपको बता दिया, ये आप यूज कर सकते हो कि ठीक है जब भी कभी ऐसा हो ये जो नंबर है ये हमें इन दोनों का सम इसके बराबर आप ले सकते हो, इन्होंने हमें इसको इस तरीके से लिखा हुआ है एन सी ए, अगर ऐसा दिया हुआ है एन सी ए बराबर है एन सी बी, अगर ये बराबर दिया हुआ है तब क्या होगा एन इजिकल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, इसी चीज को इन्होंने ऐसे लिख दिया कि ये है ना अगर बराबर है तो टू प्लस थ्री के बराबर हो गया ऊपर वाली नंबर के, ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एन सी आर इक्वल है प्लस एन सी आर माइनस वन बराबर होगा एन प्लस वन सी आर, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है कि एन सी आर है प्लस एन सी आर माइनस वन, कि ये न्यूमरेटर में जो है जो ऊपर लिखा हुआ है जो अपर सफिक्स है उसमें क्या होगा वन ऐड हो जाएगा, लोअर सफिक्स वाला जो जो बड़ा वाला नंबर है वो आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आर है ये आर माइनस वन भी कम है, ठीक है, जो ग्रेटर वाला है वो लोअर सफिक्स आ जाएगा और जो अपर वाला है वो उसमें वन प्लस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ये एन फैक्टोरियल हुआ एन माइनस आर फैक्टोरियल और ये आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल और आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आप एन फैक्टोरियल तो कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर एन माइनस आर प्लस वन ये बड़ा है ये एन माइनस आर जो छोटा है वो भी कॉमन ले सकते हैं, एन माइनस आर फैक्टोरियल भी कॉमन ले लिया हमने या एन माइनस आर या यहाँ पर आर माइनस वन फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया दोनों में,
यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि n फैक्टोरियल तो कॉमन है यहाँ पर तो वन हो गया, यहाँ n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन होगा ये भी वन हो गया, यहाँ r बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा r माइनस वन, ठीक है, तो r माइनस वन हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे इसी तरीके से इसमें देखो इसमें क्या है प्लस करेंगे, n फैक्टोरियल तो हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर क्या है r माइनस वन फैक्टोरियल बाहर आ चुका है, यहाँ पर n माइनस r प्लस वन, n माइनस r प्लस वन, ये आपका n फैक्टोरियल है, ये n माइनस r फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ पर हमने ऐसे लिए, ऐसे लेने के बाद हो गया r n माइनस r प्लस वन, ठीक है, यहाँ आ जाएगा n माइनस r प्लस वन प्लस r, तो r से r कैंसिल होगी, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है आपका n प्लस वन आ रहा है, तो n जैसे n बाहर निकालते हैं तो n माइनस वन रह जाता है, इसी तरीके से n फैक्टोरियल है इसमें n प्लस वन को इंक्लूड करना चाहें तो n प्लस वन फैक्टोरियल है, ये कितना है n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस वन फैक्टोरियल, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो n प्लस वन c r, कैसे हुआ देखो n प्लस वन फैक्टोरियल ऊपर वाला फैक्टोरियल लिया हो गया, n प्लस वन में से r माइनस करोगे ठीक है कितना आ जाएगा n प्लस वन ये आपका n माइनस प्लस वन माइनस से r आ रहा है ना, एक मिनट यहाँ हमने खोला था n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल या r फैक्टोरियल, यहाँ हमने खोला इसको n फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल हो गया या r माइनस वन फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल हमने डायरेक्ट लिख दिया, इसको पहले एक बार खोल के लिख लेते हैं n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, r अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा r माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस यहाँ n फैक्टोरियल है यहाँ पर हमने क्या किया n माइनस r प्लस वन को बाहर निकाला है ना, एक काम करेंगे तो n माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगा, ये आपको कितना है r माइनस r वन फैक्टोरियल, ठीक है, तो हमारे कॉमन आ रहा था वो हमें क्या लिख दीजिए एन फैक्टोरियल हो गया या एन माइनस आर फैक्टोरियल हो गया या आर माइनस वन फैक्टोरियल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा वन अपॉन आर, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा आपका वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन बचा, ठीक है, एन माइनस आर फैक्टोरियल भी कॉमन ले लिया आर माइनस वन फैक्टोरियल भी कॉमन ले लिया, यहाँ एन प्लस वन बचा तो ये एन प्लस वन फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पर आ रहा है आपका आर, तो ये r है और n माइनस, अच्छा r है तो r को हमने इंक्लूड नहीं किया, ये वाली टर्म हमारी रह गई है, इसको अगर हम इंक्लूड करते हैं ये डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है r को इसके साथ इंक्लूड करेंगे तो ये r फैक्टोरियल है, ठीक है, और इसको इसके साथ इंक्लूड करेंगे तो ये n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल, इसको ओपन करते हो तो देखो n प्लस वन फैक्टोरियल आएगा और r फैक्टोरियल आएगा n प्लस वन माइनस r फैक्टोरियल, तो ये जो है ये आपको याद रखना है, ये तो यूज वैसे तो आपकी बुक में कहीं कहीं यूज होगा, तो ये कब यूज करना है जब दोनों का अपर सफिक्स सेम है, नीचे वाले में सिर्फ वन का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले में आप वन ऐड कर देंगे और नीचे वाले में जो ग्रेटर वाला सफिक्स है लोअर सफिक्स वो आप यूज करें, तो ये फॉर्मूला है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, ठीक है, इसमें फिर कुछ नहीं किया है, इसको हमने ओपन करने के बाद फिर जो कॉमन आ सकता था कॉमन ले लिया, फिर हमने ऐसे ले लिया, ऐसे लेने के बाद ये वाली जो टर्म है ठीक है इसका हमने यूज नहीं किया था, इसमें हमें दोबारा देखना पड़ा था, इसको हमने यूज करने के बाद ये टर्म बन जाएगी ताकि ये आपका आसानी से हो जाए,
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर वन है 7.4 का, ठीक है। 7.4 में क्या दिया हुआ है, एनसीएस फर्स्ट क्वेश्चन में है, एनसीए इक्वल है एनसीटू के, ठीक है। एनसीए अगर एनसीटू के बराबर है तो हमने अभी अभी प्रूव किया था दोनों ही इक्वल है, तो एन किसके बराबर होगा, 8+2 के बराबर हो जाएगा, बस 10 के 10। अभी हमने बताया था ना एक प्रॉपर्टी थी कि एन सी जैसे 5C2 बराबर है 5C3 के, है ना, दोनों टर्म अगर इक्वल दी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा, 5C2+3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि एन बराबर हो जाएगा 8+2। बस इस प्रॉपर्टी का हमने यूज कर लिया। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एन सी ए बराबर है एन सी बी के, तो n इक्वल टू ए प्लस बी। जो नंबर टू है डिटरमाइन n इज टू एन सी थ्री इक्वल डिवाइडेड बाई एन सी थ्री इक्वल टू 12:1। हमें इसमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड करेंगे तो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो नीचे वाले टर्म ये हो जाएगी n फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ कितना हो गया 12/1। अब इसको ओपन कर रहे हैं ना, तो इसको ओपन करने के लिए ये रेशियो में था ना, रेशियो का मतलब डिवीजन में आया, तो डिवीजन में पहले हमने न्यूमेटर वाली टर्म यहाँ पर हो गई, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना, रिवर्स कर दिया हमने, न्यूमेटर वाली टर्म डिनोमेटर में लिख दी, डिनोमेटर वाली न्यूमेटर। अब देखो इसमें 2n जो है बड़ा है, 2n माइनस 3 छोटा है, तो जो बड़ा है उसमें से हम नंबर बाहर निकाल सकते हैं। 2n अगर हम बाहर निकालेंगे तो 2n माइनस 1 बचेगा, 2n माइनस 1 बाहर निकालेंगे तो 2n माइनस 2 बचेगा, 2n माइनस 2 बाहर निकालेंगे तो 2n माइनस 3 बचेगा। इसको हमने ऐसे लिख दिया डिवाइडेड बाई 2n माइनस 3 को एज इट इज लिखा रहने दिया, क्यों लिखा रहने दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल आप यहीं पे कैंसिल कर सकते, ऊपर क्या बचा यहाँ पर, n माइनस 3 फैक्टोरियल बचा हुआ, ये n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब क्योंकि n माइनस 3 फैक्टोरियल छोटा था इसको हमने एज इट इज लिखा रहने दिया, n फैक्टोरियल बड़ा है तो n को हमने बाहर निकाल दिया, तो n बाहर निकालेंगे तो n माइनस 1 बचेगा, n माइनस 1 को बाहर निकालो तो n माइनस 2 फिर n माइनस 3 ये होगा इक्वल टू 2l/1 होगा, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो, तो काफी सारी टर्म आपकी कैंसिल हो गई हैं। तो इसमें और क्या कैंसिल कर सकते हैं, इस n से आप ये वाला n भी कैंसिल, चलिए बाकी बाद में कैसे करते हैं, ये हमने 2 ऐसे लिखा रहने दिया, ये 2n माइनस 1, इन 2 में से इसमें से 2 बाहर कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये n माइनस 1 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर n माइनस 1 है, यहाँ पर क्या है n माइनस 2 है, इक्वल टू 12/1। तो ये n माइनस 1 से आप n माइनस 1 भी कैंसिल करते, ठीक है। अब क्या बचा, 2 2 4 की मल्टीप्लाई 4 8